जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विनय सिंह जादौन और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, प्लासी का युद्ध तथा बक्सर का युद्ध, इसके बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई है और द्वैत शासन की जो नींव रखी गई है, इन सब के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले अलीवर्दी खां जो उस समय के नवाब होते हैं, 1756 में इनकी मृत्यु होती है। ये बहुत ही सूझबूझ के व्यक्ति थे अलीवर्दी खां साहब, और इन्होंने यूरोपियों की जो तुलना है वो मधुमक्खियों के छत्ते से की थी। कहा था कि अगर इनको नहीं टच किया गया तो ये शहद देंगी, और अगर टच किया गया तो ये काटकर मार डालेंगी। तो ऐसे शब्द इन्होंने बोले थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उक्ति है इनकी और कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अतः याद रखने की ज़रूरत है कि ये वाक्य, ये सेंटेंस किसने कहा था। तो अलीवर्दी खां ने कहा था। उसके बाद इनका जो नवासा होता है, नाती दोहित्र सिराजुद्दौला, सिराज जिसको प्यार से कहते हैं, वो शासक बनता है। सिराज बहुत ही कम उम्र में शासक बनता है, और तमाम सारे लोग और भी दावेदार थे जो सिंहासन के, वो इनके ख़िलाफ़ साजिशें रचने लगते हैं। इनमें से जो इनकी मौसी होती हैं घसीटी बेगम, और पूर्णिया के नवाब होते हैं जिनका नाम होता है ये अपने पुणिया के नाम शौकत जंग साहब, इसके बाद एक दीवान होते हैं राय दुर्लभ, अमी चंद होते हैं ये व्यापारी होते हैं, और राय दुर्लभ ये सेना अधिकारी होते हैं। ये लोग जो है सिराज के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र रचने लगते हैं ताकि सिराज गद्दी छोड़ दे और दूसरा कोई नवाब बने, जिनको ये लोग चाहते थे। अब क्या होता है, इसी टाइम पर अंग्रेज़ों और नवाब के बीच युद्ध छिड़ जाता है। युद्ध का कारण ये होता है कि अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटक का युद्ध चल रहा था। कर्नाटक का युद्ध 1746 से लगाकर 1763 तक चला है। प्रथम युद्ध जो था 1746 से 1748 तक हुआ है। उसी समय की ये घटना है। अंग्रेज़ों को फ्रांसीसियों से खतरा था, बंगाल में भी तमाम सारी फ्रांसीसी कंपनी थी, बहुत सारी सेना भी थी उनकी। अतः इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम जो था इनका, फोर्ट विलियम, उसकी इन्होंने किलेबंदी करना स्टार्ट किया और अपनी तोपें परकोटे पर चढ़ा दीं। अब जब ये तोपें चढ़ा दीं तो नवाब को इस पर आपत्ति थी, क्योंकि ये एक तजारती कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापार करने वाले को तोपों से, गोलों से, बंदूकों से और सेना से क्या लेना देना होता है। व्यापारी का तो सीधा काम होता है व्यापार करना, ये तो काम होते एक शासक के काम होते हैं। अतः इन्होंने अंग्रेज़ों की मंशा पर शक करके और कलकत्ते के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया, और ये आक्रमण हुआ था जून 1756 में। और उस समय कलकत्ते का जो गवर्नर था उसका नाम था गवर्नर ड्रैक। गवर्नर ड्रैक उस समय कलकत्ते का जो फोर्ट विलियम था वहाँ का गवर्नर था, और सारे के सारे लगभग अंग्रेज़ पीछे के द्वार से निकलकर भाग गए, और एक छोटा सा द्वीप था फुलटा द्वीप, फुलटा द्वीप वहाँ पर जाकर शरण पाई। इसके बाद एक घटना होती है, एक घटना होती है जिसको हॉलवेल ने ब्लैक हॉल की घटना बोला, हॉलवेल ने ब्लैक हॉल कांड बोला है। ब्लैक हॉल कांड क्या होता है, कि कुछ अंग्रेज़ अधिकारी सिराज के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जिनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, और अगले दिन जब खोला जाता है तो 146 जिंदा लोग बंद किए गए थे, और उनमें से केवल 23 लोग 23% ही अलाइव बचते, जिंदा बचते हैं। तो ये घटना हॉलवेल जो है, हॉलवेल के दिमाग की उपज थी। कुछ लोग इस घटना को सत्य नहीं मानते हैं, लेकिन हॉलवेल ने इसका जिक्र किया है। हॉलवेल बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी, बहुत ही धूर्त व्यक्ति था, तो उसने इसका वर्णन किया है। हॉलवेल की जो घटना, ये ब्लैक हॉल की जो घटना है उसका जिक्र किया है हॉलवेल ने। अब देखो इसके बाद क्या होता है, हॉलवेल की घटना हो जाती है, ब्लैक हॉल की घटना हो जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज़ पुनः इकट्ठा होते हैं, अपनी शक्ति को एकत्रित करते हैं, और क्लाइव बहुत ही निपुण, बहुत ही चतुर चालाक व्यक्ति था, क्लाइव के नेतृत्व में पुनः कलकत्ता पर जो है विजय हासिल की जाती है। कलकत्ते को पुनः अपने कब्जे में ले लिया जाता है, और कलकत्ता जब कब्जे में हो जाता है उसके बाद क्या होता है, 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि की जाती है। अलीनगर की संधि बहुत ही
अजीब सी संधि थी, क्योंकि इसमें जो नवाब था उसको कमज़ोर दिखाया गया है। अब क्या हुआ, इसके प्रावधानों के अनुसार कलकत्ते में अंग्रेज किलेबंदी कर सकते थे, अंग्रेज सिक्के ढाल सकते थे, तथा नवाब को युद्ध हर जाने के रूप में लूटपाट के एवज में क्षतिपूर्ति अदा करने का वचन दिया गया। ठीक है, और ये तमाम सारी चीज़ें कि मतलब सारी की सारी जो संधि की शर्तें थीं वो किसके फेवर में थीं, अंग्रेज़ों के फेवर में थीं, और नवाब को इसमें सिर्फ और सिर्फ घाटा ही हुआ। अब सोचने वाली बात है कि नवाब ने ऐसी संधि को स्वीकार क्यों किया। अलीनगर की जो संधि थी बहुत ही भेदभावपूर्ण संधि थी, तो नवाब ने ऐसी संधि को स्वीकार क्यों किया। तो इसका सीधा साधा जवाब है कि नवाब को अपने जो अधिकारी थे उन पर भरोसा नहीं था। ठीक है, अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं था। तो एक तो ये कारण था। दूसरा जो था कि अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण बराबर हो रहा था, मुग़ल साम्राज्य पर हो रहा था, और वो धीरे धीरे बंगाल की तरफ बढ़ रहा था। तो ये भी एक कारण था। तो होता ये है कि ये घटना हो जाती है, आपकी अलीनगर की संधि हो जाती है, इतने पर भी अंग्रेज़ों को संतोष नहीं होता है। और उसके बाद जो अंग्रेज़ हैं वो मिर्जाफर जो इनका सेनापति था नवाब का, इसके साथ और अन्य लोगों के साथ, जिसमें से राय दुर्लभ था, खादिम खां था, अमीर चंद था, माणिक चंद था, जगत सेठ था, फतेह चंद, इन सब के साथ मिलकर और एक योजना बनाते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं, और जिसका मुख्य सूत्रधार होता है मिर्जाफर। और इन लोगों के षड्यंत्र के तहत अंग्रेज़ और नवाब के बीच पुनः युद्ध होता है, जिसको हम कहते हैं प्लासी की लड़ाई। और ये होती है 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के तट पर। कई बार पूछा गया है ये किस नदी के तट पर हुई, तो ये देखिए, ये क्लाइव दिख रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ अपना सिराजुद्दौला दिख रहा है, सिराज दिख रहा है। ये ट्रुप्स जो हैं ये अंग्रेज़ों के ट्रुप्स हैं, और ये वाले ट्रुप्स हैं नवाब के ट्रुप्स हैं। और ये नदी जो है ये भागीरथी नदी है, ये प्लासी का मैदान है। 1757 23 जून की घटना है। और इसमें क्या था कि इनके तरफ से, क्लाइव की तरफ तो केवल 3000 सैनिक थे, और नवाब की तरफ से कम 10000 सैनिक थे। फिर भी नवाब हार जाता है। हार इससे जाता है कि सेना का नेतृत्व, जो नवाब की सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था अपना मिर्जाफर, और मिर्जाफर बहुत बड़ा गद्दार इंसान था। वो बिल्कुल मूक दर्शक बना रहा, कुछ उसने किया ही नहीं। और केवल नवाब की तरफ से जो एक थे मोहनलाल और मीर मदन, दो व्यक्ति ही पूरा लड़ते रहे, और उसके बाद वो भी मार दिए गए। जब वो मार दिए गए तो फिर ये भाग खड़ा हुआ सिराज भागता काफ़ी दिन तक भागता रहा। और उसके बाद इसका जो मिर्जाफर का जो पुत्र था मीरन के इशारे पर इसकी हत्या भी करवा दी जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब होता ये है कि हमारे जो मिर्जाफर होते हैं, जो मुख्य षड्यंत्रकारी होते हैं, उनको अंग्रेज़ बनाते हैं नवाब बंगाल का। अब जब नवाब बनाते हैं, ये देखिए मिर्जाफर है और ये क्लाइव साहब खड़े हैं, तो जब मिर्जाफर की नवाबी मंजूर कर ली जाती है, अब इनको बहुत सारा धन देना पड़ता है अंग्रेज़ों को। देखो क्या क्या देना पड़ता है, क्लाइव को 24 परगना का क्षेत्र दिया गया, 24 परगना का क्षेत्र, याद रखना, क्लाइव को 24 परगने का क्षेत्र दिया गया, तथा 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट। ये निजी थी, ये 24 परगना तो कंपनी को दिया गया, और ये 2,34,000 पाउंड की जो रकम थी ये दी गई निजी भेंट के तौर पर, 50 लाख रुपया सेना तथा नाविकों को। देखो 24 परगना का क्षेत्र जो कंपनी को मिला, 2,34,000 पाउंड ये निजी भेंट क्लाइव को मिला, और 50 लाख रुपये जो मिला ये सेना तथा नाविकों को पुरस्कार के रूप में दिया गया। और यह भी निश्चित हुआ कि भविष्य में अंग्रेज़ पदाधिकारियों तथा व्यापारियों को निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सारी रियायतें दी मिर्जाफर ने। अच्छा, मिर्जाफर क्या किया, मिर्जाफर नवाब बन गया। अभी क्या होता है कि क्लाइव साहब चले जाते हैं लंदन लौट के। अब नए जो गवर्नर होते हैं बंगाल के, वो हॉलविल वगैरह होते हैं, हॉलविल।
तो ये लोग क्या करते हैं कि ये मीर जाफ़र पर अनैतिक रूप से दबाव बनाते रहते हैं, हमेशा पैसे की डिमांड करते रहते हैं। मीर जाफ़र तंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है। मीर जाफ़र सोचता है कि किस तरीके से अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाया जाए, और इसलिए वो डचों से अपने संबंध सुदृढ़ करता है और डचों की सहायता लेना चाहता है। लेकिन इसमें भी इसका लक साथ नहीं देता, और वेदरा की लड़ाई जो 1759 में हुई थी उसमें जो डच थे वो पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं अंग्रेज़ों से, और हमेशा के लिए भारत से बाहर हो जाते हैं। तो मीर जाफ़र एक बार फिर हताश और निराश हो गया। अब क्या होता है कि अंग्रेज़ मीर जाफ़र पर फिर से दबाव डालने लगते हैं और कहते हैं कि अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप गद्दी छोड़ दो, हम दूसरे को नवाब बना देते हैं। इधर जो मीर कासिम था, जो मीर जाफ़र का दामाद था, वो खुद नवाब बनना चाह रहा था। उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली और अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा दिख रहा था। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो तत्कालीन राजधानी थी मुर्शिदाबाद, उसको घेर लिया। जब राजधानी घिर गई तो मजबूरी में इसको मीर कासिम के पक्ष में मीर जाफ़र को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, और 15,000 की पेंशन पर इसको रहने के लिए बाध्य होना पड़ा। अब देखो क्या होता है कि अगले जो नवाब बने उनका नाम था मीर कासिम। मीर कासिम जब नवाब बने तो मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति थे, तो मीर कासिम को कहाँ बर्दाश्त होता कि अंग्रेज़ हर बात में हस्तक्षेप करें। तो मीर कासिम ने क्या किया कि वो पूरी तरीके से नवाब बनने के उद्देश्य से इन्होंने राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। दोस्तों मुंगेर जो है ये बिहार का अभी वर्तमान में ज़िला है और बिहार बंगाल के बॉर्डर पे पड़ता है। मुंगेर में ही गन फैक्ट्री की स्थापना करी और यूरोपीय पद्धति पर सैनिकों का गठन करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये चीज़ें जो थी ये सशक्त बना रही थी नवाब को। अंग्रेज़ कब चाहते कि नवाब सशक्त हो जाए? ये चाहते थे कि नवाब हमेशा कमज़ोर रहे। अगर नवाब सशक्त हो जाएगा तो फिर अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेगा। उनको तो कठपुतली नवाब चाहिए था जो केवल गद्दी पर बैठा रहे और इनकी जो भी धन या जो भी रियायतें हैं वो इनको देता रहे लगातार। तो अंग्रेज़ इससे क्रुद्ध हो गए। और एक और कारण इसमें हुआ कि बिहार का एक गवर्नर था जिसका नाम था राम नारायण। बिहार का जो गवर्नर था राम नारायण, उसने स्वतंत्र व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। अब जब स्वतंत्र व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया तो नवाब को लगा गुस्सा। उसने गुस्से में आके राम नारायण की हत्या कर दी। अब राम नारायण की जब हत्या हो जाती है तो राम नारायण होता है अंग्रेज़ों का पिट्ठू, और अंग्रेज़ ये अपने ऊपर हमला मानते हैं इसको, और अंग्रेज़ और नवाब के बीच के संबंध ख़राब हो जाते हैं। एक और कारण होता है, तत्कालीन कारण यही था, जो मुख्य कारण था वह था कि दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का अंग्रेज़ दुरुपयोग कर रहे थे। दस्तक का उपयोग कंपनी अधिकारी अपने निजी व्यापार के लिए भी करने लगे थे, और इन दस्तकों को कुछ पैसों के बदले भारतीय व्यापारियों के हाथ बेच भी दिया जा रहा था। अब कासिम इससे, मीर कासिम बहुत दुखी था। उसने क्या किया कि उसने भारतीय व्यापारियों पर से भी चुंगी हटा ली। कहा कि जब आप जो है फ्री में ट्रेड कर रहे हो तब हम अपने ही लोगों पर क्यों लगाएं कर। तो उसने भारतीय व्यापारियों पर से भी चुंगी हटा ली, और इस बात का उन्होंने विरोध किया अंग्रेज़ों ने। वेंसी टार्ट बातचीत है तो मुंगेर आया, मसला काफ़ी हद तक हल हो गया था, लेकिन कंपनी के अधिकारियों को ये मंजूर नहीं था। और फिर क्या होता है, फिर मनमुटाव चरम पर पहुंच जाता है। इधर मीर कासिम क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं हमारे कहाँ, नवाब जो होते हैं ये शाह आलम द्वितीय जो होते हैं, ये मुग़ल सम्राट जो होते हैं भगेड़ू सम्राट जो पटना में रह रहे होते हैं, और हमारे अवध के जो तीसरे नवाब होते हैं शुजाउद्दौला, इनके पास सहायता के लिए जाते हैं। ये लोग अच्छा मान भी जाते हैं क्योंकि ये लोग खुद दुखी होते हैं, तो मीर कासिम की सहायता के लिए मान जाते हैं। एक मोर्चा बनता है, संयुक्त मोर्चा, जिसमें मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना और मीर कासिम जो रिबेलियन था उसकी सेना शामिल होती है। दूसरी तरफ हमारे होते हैं ये अपने अंग्रेज़ होते हैं, और अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा होता है हेक्टर मुनरो, क्लाइव नहीं होता। याद रखने चीज़ है, बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था, और इस युद्ध में क्लाइव नहीं था, जबकि प्लासी के युद्ध में क्लाइव था।
और इस युद्ध में क्लाइव नहीं था, क्लाइव उस समय इंग्लैंड में था। तो ये होता है और युद्ध का परिणाम वही जो हम लोग सब लोग जानते हैं, युद्ध में संयुक्त सेना की पराजय हो जाती है, अंग्रेज़ विजयी होते हैं और विजयी अंग्रेज़ संधि करते हैं। अच्छा, लड़ाई हो रही है 1764 में, लेकिन संधि होगी इलाहाबाद की, जो संधि होगी 1765 में होगी। क्यों 65 में होगी? क्योंकि अब उनको बुलाया जाएगा, क्लाइव को बुलाया जाएगा। क्लाइव को भारत के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी थी, वो इसके बारे में बहुत कुछ जानता था, अतः उसको स्पेशली भेजा गया इलाहाबाद की संधि की शर्तों को निर्धारित करने के लिए। अब क्लाइव साहब आते हैं और इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। इसमें तीन पार्टी होती हैं, एक तरफ अंग्रेज़ होते हैं और दूसरी तरफ जो होते हैं अवध के नवाब और मुग़ल सम्राट होते हैं। तो पहली संधि जो होती है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच होती है, जिसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कड़ा इलाहाबाद का क्षेत्र तथा 50,000 रुपया नवाब ने, अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों को दिया युद्ध हार जाने के तौर पर। युद्ध हार जाने के तौर पर 50,000 रुपया कड़ा और मानिकपुर का क्षेत्र ये दिया। दूसरा जो कहा कि अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है, अगर कोई शक्ति अवध पर हमला करती है तो ब्रिटिश अवध की सहायता करेंगे। तीसरा जो प्रावधान था उसमें था कि जो बलवंत सिंह थे बनारस के ज़मींदार, इनकी ज़मींदारी पक्की की गई थी। अब इनका, बलवंत सिंह का और इनका अंग्रेज़ों का अपना रहा होगा कुछ शॉर्टकट, तो इसी वजह से हिमायत कर रहे थे, तो बलवंत सिंह की ज़मींदारी पक्की की गई। अब दूसरी जो संधि होती है इलाहाबाद की, वो होती है मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें क्या होता है कि मुग़ल, इसमें क्या होता है कि जो अपने मुग़ल बादशाह हैं, मुग़ल बादशाह द्वारा अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी जाती है। बदले में ब्रिटिशर्स निज़ामत के खर्च के लिए 56 लाख रुपए तथा निजी खर्च के लिए 26 लाख रुपए, सॉरी निजामत के खर्च के लिए 53 लाख रुपए और व्यक्तिगत खर्च के लिए 26 लाख रुपए सालाना स्वीकार करते हैं। और इसके अलावा कड़ा मानिकपुर का जो क्षेत्र अवध के नवाब से लिया गया था, वो अब मुग़ल सम्राट को दे दिया जाता है। अब क्या होता है कि जो मुग़ल बादशाह होता है अंग्रेज़ों के संरक्षण में हो जाता है और अंग्रेज़ों का पेंशन याफ्ता बन जाता है और नज़रबंद रहने लगे। पहले भी वो नज़रबंद ही रहते थे क्योंकि शाह आलम द्वितीय भगेड़ू थे और इनके पिता जो आलमगीर द्वितीय की जो कत्ल कर दिया जाता है, तब ये भाग आते चुपके से और ये बिहार की राजधानी पटना में रह रहे होते हैं और डर के मारे, इतना डर था उनका रहलों का कि डर के मारे ये दिल्ली नहीं जाते थे। और दिल्ली बहुत बाद में गए हैं, 1772 में ये ले जाए गए हैं, वो भी मराठों के द्वारा। तब जाके ये गए हैं, 12 साल बाद गए हैं, तब जाके उन्होंने वहाँ गद्दी संभाली है। तो इस तरीके की ये घटना हुई है। और इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में जो शासन पद्धति प्रारंभ हुई उसको हम द्वैध शासन पद्धति के नाम से जानते हैं। द्वैध शासन पद्धति एक ऐसी पद्धति थी जिसमें दीवानी तथा निजामत मामले अलग अलग तरीके से संचालित होते थे। पहले भी मुग़ल काल में दीवानी और सूबेदारी अलग अलग होते थे, इनके लिए प्रायः 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन जब मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल की सत्ता स्थापित की तब दोनों पदों को एक कर दिया था और तब से जो बंगाल का नवाब होता था दोनों मामले देखता था, दीवानी का भी और सूबेदारी का। अब जो नई शासन पद्धति स्टार्ट हुई और उसमें क्या हुआ कि जो बंगाल का नवाब था उसके पास निज़ामत के मामले होते थे और वो फौजदारी और पुलिस कानून व्यवस्था ये सब लागू करने की जिम्मेदारी होती थी, न्याय वगैरह। और जो कंपनी थी इसके पास मालगुजारी और दीवानी संबंधित सभी मामले इसके अंतर्गत आते थे। तो एक तरफ जहां पर कंपनी के पास सारे अधिकार थे तो दूसरी तरफ नवाब के पास कोई अधिकार नहीं था, उसके पास सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य थे। अगर नवाब को कुछ काम करना होता तो पैसे के लिए, चूंकि दीवान कंपनी थी तो पैसे के लिए कंपनी का मुंह देखना पड़ता। इसी वजह से ये शासन व्यवस्था इतनी ज़्यादा
करप्ट थी, इतनी ज़्यादा दूषित थी कि इसकी आलोचना अंग्रेज अधिकारियों ने भी की है। कंपनी ने स्वयं दीवान ना बनकर अपनी जगह पर भारतीयों को दीवान नियुक्त किया। बंगाल का दीवान रजा खां को बनाया और इसको उप नजीम का भी पद दिया गया। रजा खां जो था वो बंगाल में दीवान भी था और उप नजीम भी था। बिहार का दीवान सिताब राय को बनाया गया। अब क्या होता है कि अब जो ये द्वैध शासन पद्धति जो थी, इसके अंतर्गत अब लूट मार, अव्यवस्था और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। सारे धंधे चौपट हो गए थे, सारे दस्तकारी, सारे किसान, सभी लोग परेशान थे। और इसी के चलते बंगाल में 1769-70 में एक भयानक जो अकाल पड़ा और उसमें तमाम लोग बड़े पैमाने, लाखों लोग काल के गाल में समाहित हो गए। और इस शासन की भर्त्सना अंग्रेज अधिकारियों ने भी की है। अंग्रेज अधिकारी सर जॉन कॉनवेल ने कहा था कि मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 1785 तक का ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उससे अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं है। और इसके अलावा क्या हुआ, कृषि का ह्रास हो गया, उद्योग दक्षता का ह्रास हो गया और सारे चीज़ें ख़त्म हो गईं। और कंपनी के जो अधिकारी कर्मचारी लोग थे वो बिल्कुल डाकुओं की तरह बिहेव करते थे और अपने असलहों के साथ जाते थे बाज़ारों में और उनको यथाशक्ति लूटते थे। लूट पाट करने के बाद में वो पुनः आ जाते थे। तो इस तरीके की अव्यवस्था थी और इस अव्यवस्था को सही करने के लिए क्लाइव ने कुछ उपाय किए थे। क्लाइव ने एक व्यापार समिति, सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। इसके तहत सैनिक तथा कर्मचारियों को उस क्षति की पूर्ति की गई जो निजी उपहार तथा निजी व्यापार पर पाबंदी से हुई थी। इसने क्या किया था, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो ये भेंट लेते थे, नजराने लेते थे, इन पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन चूँकि इनको घाटा ना हो और तमाम तरीके की प्रवृत्तियाँ ना आ जाएँ, इस वजह से इसने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। अच्छा, ये क्या करती थी, इसके तहत कंपनी के कार्यकर्ताओं को उसने नमक, सुपारी तथा तंबाकू, तीन चीज़ें, नमक, सुपारी और तंबाकू, इनका जो है व्यापार का अधिकार दे दिया। अच्छा, इनसे जो लाभ होता था वो क्या करता था, वो सभी जितने भी अधिकारी वर्ग थे उनको उनके पद के अनुसार बांट दिया जाता था। क्लाइव के समय 1766 में एक दूसरा परिवर्तन ये हुआ कि उन सैनिकों के दोहरे भत्ते बंद कर दिए गए जो बंगाल में ही कार्यरत थे। यद्यपि बंगाल तथा बिहार से बाहर काम करने वाले सैनिकों के भत्ते जारी रखे गए थे और इसी कारण सैनिक विद्रोह भी हुए थे। तो ये एक कारण था। अब देखते हैं कि अब आ गए हमारे नए जो बंगाल के गवर्नर थे, वो आए हैं वॉरेन हैंस्टिंग्स, और इनका आगमन हुआ 1772 में और ये 1785 तक रहे हैं। इनके कुछ प्रमुख कार्यों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि प्रथम सरकारी खजाना जो था वो मुर्शिदाबाद में था। मुर्शिदाबाद राजधानी थी बंगाल की तत्कालीन, वहाँ से कलकत्ता में स्थानांतरित किया इन्होंने। दीवानी मुकदमों हेतु भारतीयों के अंतर्गत न्यायालय गठित किए और उनकी सहायता के लिए काजी और मुफ्ती को लगाया गया। और जो इसमें कानून थे, किस कानून के तहत इसमें न्याय होता था, तो फौजदारी मामलों में मुस्लिम कानून चलता था। और इसके अलावा इन्होंने जो किया कि वो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज तथा कोलब्रुक डाइजेस्ट को संगीताबद्ध करवाया था। अब कोलब्रुक क्या था, पहले यूरोपियन थे, कोलब्रुक साहब एक व्यक्ति थे जो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और इन्होंने हिंदू उत्तराधिकार संविदा आदि के संबंध में एक संहिता तैयार की थी। तो कोलब्रुक की एक बुक थी, कोलब्रुक डाइजेस्ट उसको बोला जाता है, उसको भी संहिताबद्ध किया गया। दूसरा जो था वो था कोड ऑफ जेंटू लॉज, इसको भी संहिताबद्ध किया गया ताकि हिंदुओं के संबंध में न्याय निर्णयन हो सके। दूसरा, हैंस्टिंग ने क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली जो थी उसका अंत कर दिया गया और
कलकत्ता परिषद तथा परिषद के प्रमुख दीवान बनाए गए। अभी तक क्या होता था कि ये जो इन्होंने दीवान नियुक्त किए गए थे, स्वयं दीवान नहीं बने थे, क्योंकि इनके पास तमाम सारी प्रॉब्लम थी, इस वजह से स्वयं दीवान ना बन के इन्होंने अपने दीवान नियुक्त किए थे। अभी क्या क्या कहा कि अभी कहा कि आप स्वयं दीवान बनो। कलकत्ता परिषद तथा परिषद के प्रमुख दीवान बन गए। दोनों उप दीवानों को पदच्युत कर दिया गया। परिषद व प्रधान मिलकर रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया। राजस्व बोर्ड में कौन कौन थे इसमें? परिषद व प्रधान मिलकर, जो परिषद होती थी, जो परिषद होती थी काउंसिल, और उसके जो जो उसके चेयरमैन होते थे, दोनों मिलकर अब राजस्व बोर्ड बन गए। राजस्व बोर्ड अपने कर संग्राहक नियुक्त किए। राजस्व बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त किए। अब देखो क्या किया और सुधार इसने किए। केवल 5 जगह चुंगी लेना। पहले क्या होता था कि जो भारतीय शासक थे उनके द्वारा जगह जगह पर चुंगी ली जाती थी, और इस पद्धति को इसने बंद कर दिया। अब कहाँ कहाँ पे? केवल 5 जगह पे लेना होता था। अब पटना, जो बिहार की राजधानी है, ऐसे याद कर लेंगे हम। देखो, पटना बिहार की राजधानी है, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, कलकत्ता अपने बंगाल की राजधानी है, तो इस तरीके से याद करें। हुगली और मुर्शिदाबाद याद करने को रह जाएंगी, तो 3 राजधानियाँ हो गई, और हुगली और मुर्शिदाबाद, तो 5 जगह थी, पटना, ढाका, हुगली, कलकत्ता और मुर्शिदाबाद। इसको शॉर्टकट में एक तरीका पढ़ा, हुकुम, पा से हो गया पटना, ढा से हो गया ढाका, ढा से ढाका, और हु से हो गया हुगली, और का से हो गया कलकत्ता, और माँ से हो गया मुर्शिदाबाद। तो ऐसे भी याद कर, पढ़ा हुकुम, हाँ हुकम, पढ़ा हुकम, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दस्तक प्रथा समाप्त कर दी गई। दस्तक अभी देखें, दस्तक के दुरुपयोग के वजह से ही मीर कासिम को युद्ध करना पड़ा था, तो दस्तक प्रथा समाप्त कर दी गई। अब क्या होता था कि 2.5% चुंगी, 2.5% चुंगी सभी सामग्रियों पर लेने की बात कही गई। रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसी पीरियड में, 1773 में रेगुलेटिंग आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके तहत क्या किया गया था, कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण थोपा गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण स्थापित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। और इसके जो कुछ प्रोविजन थे वो इस प्रकार थे कि भारत का गवर्नर जन भारत का इसके तहत ये प्रावधान था कि जो गवर्नर बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, और अन्य जो गवर्नर थे, मतलब मद्रास और बॉम्बे के, उन गवर्नरों को इसके बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, और बंगाल के गवर्नर जनरल को तमाम सारी सुप्रीमेसी दी गई थी। और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की एक परिषद गठित की गई थी, और इसके जो मेंबर थे वो थे फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग था, मॉनसन था, और वारविल था। कौन कौन थे ये कभी कभी आ जाता है एग्ज़ाम में, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और वारविल। और इसमें जो निर्णय लिए जाते थे वो बहुमत द्वारा निर्णय लिए जाते थे। 5 साल की नियुक्ति होती थी, और इनको नियुक्त करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD जो होता था, और जिसका कार्यालय कहाँ होता था, लंदन में, वो नियुक्त करके भेजता था, और इनको हटाने का अख्तियार ब्रिटिश सम्राट को ही होता था। और अगर 3 लोग एक तरफ हो जाते तब गवर्नर जनरल भी कुछ नहीं कर सकता था, ऐसा भी प्रावधान था। इसी वजह से झगड़े होते हैं आगे, देखा जाएगा। बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और जिसमें ब्रिटिश कानून के हिसाब से न्याय किया जाता था, और इम्पेसाब को बनाया गया था चीफ जस्टिस, बनाया गया था मुख्य न्यायाधीश, बनाया गया था इम्पेसाब। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और इसके मुख्य प्रावधान में ये था कि परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। अभी हमने देखा कि 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई थी, लेकिन उसमें प्रावधान था कि अगर 3 लोग, देखो कास्टिंग वोट करनी थी, फाइनल कास्टिंग वोट करना था इनको, ये पहले वोट नहीं कर सकते थे, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में गवर्नर जनरल जो था वो वोट कर सकता था। और उसमें क्या होता था कि तमाम तरीके की दिक्कतें आती थी, गवर्नर जनरल काम ही नहीं कर पा रहा था, 3 लोग अगर एक तरफ हो जाते तो गवर्नर जनरल अल्पमत में हो जाता, तो चाहकर भी किसी भी कानून को वो पारित नहीं करवा पाता था। इसी को ख़त्म करने के लिए झगड़े बढ़ने लगे जो परिषद और गवर्नर जनरल के बीच में, तब पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और पिट साहब थे वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट, पिट का इंडिया
एक्ट, ठीक है, वो आया था 1784 में। इसी के तहत परिषद की संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। दूसरा जो था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, जो भारत में कंपनी के जो राजनीतिक मामले हैं, जो प्रशासनिक मामले हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इससे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते थे, जिसको संचालक मंडल भी बोलते हैं, COD, ये तो पहले से होते थे। ये क्या करते थे, COD का काम था कि जो कंपनी का व्यापारिक कामकाज है उस पर नियंत्रण करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था जो राज कंपनी का प्रशासनिक कार्य है उस पर नियंत्रण करना। तो इस तरीके से कंपनी के प्रशासनिक कार्य और जो व्यापारिक कार्य थे, इन दोनों को अलग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब देखते हैं, वारेन हैस्टिंग्स ने कुछ बुरे काम किए जिसकी निंदा की गई है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब वापस गया तब भी इस पर महाभियोग लगाया गया था और चर्चा भी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस पर। वो था कि अवध की बेगमों पर अत्याचार। देखो, होता यह है कि जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उसके बाद अवध के नवाब हमेशा अंग्रेज़ों से वफादार रहे, हमेशा अंग्रेज़ों की डिमांड मानी, लेकिन इन्होंने वो उनकी तवज्जो उनको थी नहीं, इन्होंने कभी नहीं समझा उनके जज्बातों को, और हमेशा ये बढ़ी चढ़ी अपनी मांगे करते रहते थे अवध के नवाब के साथ। और इसी के तहत अवध की बेगमों पर अत्याचार हुआ है, क्योंकि नवाब के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि हमें ये अख्तियार दे दीजिए कि हम अपनी जो हमारी सौतेली माँ हैं उनके जो उनकी पर्सनल जो संपत्ति है, उनकी व्यक्तिगत, उससे हम आपको दे सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, कोई नहीं, करो अत्याचार। तो इसके तहत वारेन हैस्टिंग्स ने जो अवध की बेगमों पर अत्याचार करवाए, इसकी बहुत आलोचना होती है। दूसरा जो था, एक नंद कुमार था, नंद कुमार को फांसी देना, ये भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसी बेस पर। और चैत सिंह पर अत्याचार, जो चैत सिंह थे हमारे जो बनारस के नवाब, बनारस के ज़मींदार थे, उन पर भी अत्याचार किया। तो इन तीन वजहों से इसकी बहुत ज़्यादा इसकी मजम्मत की जाती है। तो ये थे हमारे वारेन हैस्टिंग्स। आगे का अंक हम अगले सेगमेंट में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।